त्रिपुरा चुनाव से पहले भाजपा का दिग्गज नेता कांग्रेस में हुआ शामिल। टिकट मिलते ही मचाया भयंकर गदर। त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 60 सीटों में से 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। त्रिपुरा के कैला शहर सीट से 5 बार विधायक रह चुके बिराजीत सिन्हा को उसी सीट पर दोबारा मौका दिया गया। वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले दिबा चंद्र हंखाल कर्माछरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि त्रिपुरा के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल चंद्र राय को बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र से उतारा गया है। कांग्रेस की पहली सूची में शामिल 17 उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं हैं। दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 जनवरी को हुई थी, जिसमें पार्टी ने 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को तय किया था। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने भी 60 सीटों में से 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। मुख्यमंत्री माणिक साहा बोर्दोवली सीट से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा चारीलम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की पहली सूची में शामिल 48 उम्मीदवारों में 11 महिलाएं हैं। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी को इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान 2 मार्च को एक साथ होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक समानता यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।